देता हूँ अपने, और रिकॉर्डिंग जो है वो इंशाल्लाह मैं अपने फेसबुक पेज पे फिर अपलोड कर दूंगा। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन, दिस इज व्हाट यू नीड टू थिंक राइट नाउ। कोशिश कीजिए कि अपनी अपनी टीम में लोगों को आज के इस मीटिंग में बुलाएं और वो आपको ज्वाइन करें, और ज्वाइन करके वो सीखें कि किस तरह से इवेंट किया जाता है, रिगार्डलेस कि वो डिजिटल काम कर रहे हैं, क्योंकि इस जो आज का टॉपिक है उसमें हम डिजिटल भी बताएंगे वैसे लोगों को कि डिजिटल आपने कैसे काम करना होता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम हम दे देते हैं, 1-2 मिनट का। करें आप कोशिश अपनी टीम के साथ ताकि वो लोग आए और हम जल्दी से इसको फिर स्टार्ट कर सकें। यस, अब मैं इसको करूंगा जी यहां से। I'm sorry जी, थोड़ा सा जो है ना सिस्टम परफॉर्म करना छोड़ गया है, तो मैं जरा थोड़ा सा इसकी जरा तबीयत साफ कर दूं, फिर इसको जो है हम लाइव करते हैं। यस, अब आई एम श्योर आप लोगों को ये सब नजर आएगा। जनाब, यस, आई एम लाइव नाउ जी। ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और उसके साथ मैं अब इसको शेयर कर देता हूँ सो दैट आप लोग इसको फिर देख भी सकेंगे। इसके साथ साथ कैमरा भी ऑन कर लेते हैं और फिर अनलॉक कर लेते हैं। चलिए पेन यहाँ पे लाइव। ओके, सो वंस अगेन जी अस्सलाम वालेकुम। एंड आज का जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, अनलॉक द पावर ऑफ इवेंट्स एंड मीटिंग्स, जिसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा हम लोग अभी जो है डिस्कस करेंगे 11:30 से 12:30 के दरमियान में, और फिर दूसरा हिस्सा इंशाल्लाह हम 3:30 बजे ऑनवर्ड इसको करेंगे। सो आप लोगों से गुजारिश जो मैंने पहले भी की थी कि आज का जो टॉपिक है वो मैनेजर्स एंड अबव ने अपनी टीम के को टीम के मेंबर्स के साथ मिलकर अटेंड करना है। सो मैसेज सेंड करें, जल्द से जल्द वो आपको ज्वाइन करें और हम लोग इसको कंटिन्यू करें। तकरीबन इस सारी कन्वर्सेशन में 5 मिनट गुजर चुके हैं, तो मजीद वेट किए बगैर हम लोग चलते हैं जी आज के टॉपिक पे, एक ओवरव्यू आपको देने के लिए कि ट्रेनिंग्स के स्टेप्स किस किस के होते हैं, कि किस किस लेवल पे होते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आपको ये नजर आ रहा होगा, जैसे कि अगर मैं आपको ये बताऊं तो ये चीज आपको नजर आ रही होगी, आप श्योर ये। यस, अब आपको ये नजर आ रही है जी, ये बनी हुई है डिफरेंट कैटेगरीज फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ ब्रांड पार्टनर्स। सो हर एक ब्रांड पार्टनर ने हर एक बंदे को जो अपनी टीम में उसने उसको ऐड करना है, उसका क्या प्रोसेस होगा, उसको कैसे ऐड करना है, किस लेवल पे कौन सी ट्रेनिंग उसके लिए है कौन सी नहीं है, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने नजर है, जो मैंने भी पिकासो की ड्राइंग जो है मैंने की है यहाँ पे। सो द पर्पज ऑफ शेयरिंग दिस पिक्चर, आपको ये आइडिया हो कि आपने इन सब चीजों को रिमेम्बर करना है। सो आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लीडरशिप का फंडामेंटल, लीडरशिप एकेडमी 1 उसके फंडामेंटल का कोर्स 3, जो के है अनलॉक द पावर ऑफ 90 डेज। हम फर्स्ट 90 डेज ऑन बोर्डिंग प्रोग्राम ऑलरेडी कर चुके हैं। ज्वाइन द हाई परफॉर्मिंग टीम हम काफी अरसे से कर रहे हैं। फिर एक्सपैंड योर ब्यूटी कम्युनिटी जो कि सेकंड कोर्स है उसका, वो भी हम कर चुके हैं। थर्ड एंड फोर्थ हमारे पास अभी इसी महीने में आए थे, जो कि ताहिर साहब ने हमारी एलसी मीटिंग में भी अनाउंस किया था कि हम लोग कर रहे हैं। सो वो हम लोग आज के दिन में कर रहे होंगे। और सीआरपीओ का फास्ट ट्रैक भी बाय द वे कल हमने डिस्कस किया था, 2 के वो काफी फास्ट था। उसकी रीजन ये थी कि कल बैम्बूजर पे हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, मार्केटिंग टीम ने एक
इन्फ्लुएंसर जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उनके जरिए बैम्बूजर पे कुछ एक मार्टी पार्टी मेकअप और उनकी डिटेल्स जो थी वो आपके साथ शेयर की थी, तो वो वाली चीज भी आपके साथ हमने कल शेयर की थी। सो पर्पज आपको ये बात बताने का है कि आप लोगों को आइडिया हो कि आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो शायद बेसिक चीजें तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल जरूर होगा, जो कि आपके उन तमाम लोगों के लिए है जिनको आप समझते हैं कि वो बेहतर है, इसी वजह से आप उनकी कोर टीम है। सो मैं अगर आपसे पूछूं कि क्यों है जी आप लोग यहाँ पे आज, अगर ऑरिफ्लेम के आज के इस इवेंट में अगर हमने आपको बुलाया है और आप आए हैं, आप तशरीफ लाए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो ये क्यों आए हैं आप यहाँ पे आज, आज आपके यहाँ पे आने की रीजन क्या है? तो कौन मैसेज कर सकते हैं, आई कैन रीड योर मैसेजेस, सो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, मुझे बताइए कि क्यों है आज आप यहाँ पे। थोड़ा सा ओवरव्यू तो मैंने दे दिया कि कुछ एक एडवांस लेवल की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर तो की जाएगी, लेकिन मेरे भी माइंड मतलब बींग अटेंडी मेरे भी माइंड में कुछ होना चाहिए ना कि मैं क्यों यहाँ पे हूँ आज, मेरी क्या रीजन है, मैं इस ट्रेनिंग में क्यों ऐड हुआ हूँ। ओके फॉर लर्निंग, थैंक यू वेरी मच मैम साइमा ने कहा, सीखने के लिए कुछ न्यू, बिल्कुल ऐसे ही है जी। ओके टू गेट बेटर नॉलेज, सॉरी जी हाँ, टू गेट बेटर नॉलेज ऑफ फेस टू फेस इन्फो एंड गेट मोर नॉलेज, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मैडम, टू गेट मोर नॉलेज अबाउट हाउ टू कंडक्ट मीटिंग, क्या वो प्रोसेसेस जेन में होने चाहिए, क्या वो टाइमलाइंस जेन में होनी चाहिए, क्या वो सिस्टम जेन में होना चाहिए जिसके जरिए आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे अपने इस स्ट्रक्चर को। इसके साथ साथ सीखने के लिए फॉर लर्निंग सर, कुछ न्यू टिप्स, टीम रिकग्निशन बाउंडिंग बनाने के लिए, ओके न्यू सीखने के लिए, लर्निंग के लिए कैसे आगे जा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे फॉर लर्निंग, टूल्स बहुत कुछ सीखेंगे जो हमें पता नहीं, लर्न समथिंग न्यू टू ग्रो फॉर लर्निंग एंड एवरीबडी इज लाइक लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, और आगे बढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से। चले मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, हम लोग कहते हैं कि जो भी आज यहाँ पे मौजूद है वो कुछ ना कुछ तो ऐसा सीखेगा, लर्न अबाउट द न्यू वेज टू रन देयर इवेंट्स, कि इवेंट को अगर आपने रन करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, उसको उसके बारे में आपने कुछ जानना है, तो वो सारी की सारी चीजें आपने इस ट्रेनिंग से सीखनी है। सेकंड, क्या ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए मैं अपनी सेल्स और रिक्रूटमेंट को ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, और इतना ऑप्टिमाइज कर दूं कि मेरा वो सिस्टम मेरे बाद मेरी टीम भी जब फॉलो करेगी तो ऑटोमेटिकली उनको भी कोई ना कोई फायदा, कोई ना कोई नहीं बल्कि बहुत सा फायदा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद अगर आ जाए तो फिर आपका आता जी बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि जो लीडर्स हैं उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या थी, वो उनका एक्सपीरियंस क्या था जिनके जरिए उन्होंने इतनी सक्सेस जो है वो हासिल किया। उसके बाद फिर आ जाती है जनाबे वाला आपकी जिंदगी को इंजॉय कैसे करना है, उस इवेंट को ज्वाइन इंजॉय कैसे करना है, और उसके जरिए आप किस तरह से अपनी जो सेल है या जो प्रोसेस है या जो सिस्टम है उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दीज आर द मेन मेजर पॉइंट्स जो कि हम आज के दौर में, आज के दिन में इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं। सो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इन सब प्रोसेसेस को समझने के लिए अपने पास कागज और पेन रख लीजिए। उसकी रीजन ये है, रिकॉर्डिंग तो मैं ये कर रहा हूँ और ये रिकॉर्डिंग मैं अपने फेसबुक पेज पे शेयर भी कर दूंगा, लेकिन इस फेसबुक पेज पे शेयर करने की वजह से जो माइंड सेट में एक चीज या माइंड में एक चीज आपके आ रही होगी कि यार वहां वीडियो से दोबारा देख लें, प्लीज ना कीजिएगा, प्रोसेस को अंडरस्टैंड कीजिए। हाँ प्रोसेस को दोबारा दोबारा सुनने के लिए या प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए आप वीडियो तो देख सकते हैं, लेकिन आज के दौर में, आज के दिन में अगर आपने सिर्फ ये जहन में रखा कि जी मैं बाद में वीडियो से दोबारा सीख लूंगी, तो शायद आपको समझने में दुश्वारी का सामना रहे। सो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट कि जो ओवरऑल हमारा आज का इवेंट है या जो आज का जो ट्रेनिंग और जो मीटिंग है उसकी, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पेपर पेन अपने पास रखने चाहिए और अपने पास एक स्ट्रॉन्ग किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो रखनी है आपको, राइट? और आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ओके सो ये चार
टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जी क्यों इवेंट्स की जरूरत क्या है, प्लान और रन आपके वर्चुअल इवेंट्स, फिर प्लान एंड रन योर फेस टू फेस इवेंट्स, एंड लास्ट में इवेंट कैलेंडर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने हम लोग ये ऑलरेडी अपने सीनियर मैनेजर्स एंड अबव के साथ यहाँ पे लाहौर ब्रांच में कर चुके हैं, दैट वॉज नॉट लाइव, लेकिन मैंने कुछ हिस्सा इसका लाइव कर दिया था जूम के जरिए, लेकिन दैट वाज अगेन कुछ लोगों ने अटेंड नहीं किया, तो मैं उस पर कोई कॉमेंट नहीं कर सकता जी कि उन्होंने क्यों नहीं किया, बट मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाए, क्योंकि अब इस इंफॉर्मेशन के जरिए आप उन तमाम जो फैसिलिटीज हैं पाकिस्तान में जो लोगों को मिल रही हैं इवेंट्स करने के लिए या ग्रो करने के लिए, वो आप हासिल कर सकते हैं, राइट। सो मैं अगर आपसे पूछूं कि इवेंट्स की जरूरत है क्यों हमें, व्हाई डू वी नीड, आसिफ व्हाई डू वी नीड द इवेंट्स, बाय द वे हम क्यों हमें इवेंट्स की जरूरत है, हमें क्या ऐसा काम करना है या क्यों करना है काम ताकि हम इवेंट्स कर सकें, इसकी क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, क्या पर्सपेक्टिव क्या है, क्यों करना है जी हमने ये, इसको क्यों हमने करना है, क्या वजह, मैसेज कर सकते हैं भाई बोला फॉर मोटिवेशन, ओके वेरी वेल सैड, ताकि ओरिफ्लेम के लोगों तक, ओरिफ्लेम को लोगों तक अच्छे से तरीके से बताया, अच्छा ठीक है, यानी कि ओरिफ्लेम को लोगों तक पहुंचाया जाए, टू इंक्रीज आर बिजनेस ग्रोथ, स्पीड इंक्रीज आर टीम सर्कल, यस वालेकुम अस्सलाम, फॉर नॉलेज एंड मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस इनहेंस होता है, चेंज पीपल माइंड सेट, ओके ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट टेस्ट करवा सकें, बिल्कुल ठीक है, फॉर ट्रस्ट बिल्कुल ठीक है, कम्युनिकेशन बिल्कुल ठीक है, टू गेट मोर कॉन्टैक्ट फॉर टीम मेकिंग एंड मेकिंग कस्टमर, ठीक है जी, लॉन्ग इंस्पायर्ड, लॉन्ग इंस्पायर्ड होते हैं, ठीक है जी, आई एम सॉरी मैं लॉन्ग पढ़ रहा था, टू बूस्ट द एनर्जी विद नॉलेज, फॉर अवेयरनेस, फॉर इंफॉर्मेशन शेयर टुगेदरनेस, ओके लोगों को अवेयरनेस दे सकें, कम्युनिकेशन कर सकें टू सम एक्सटेंट, यस, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखें ओरिफ्लेम का जो बिजनेस मॉडल है ना वो क्या है, इसको जहन में रखते हुए आपने आगे बात करनी है, क्योंकि अभी भी मैं ये समझता हूँ कि हम लोग जब बिजनेस की बात करते हैं, जो ओरिफ्लेम की बात करते हैं, तो हम एक किसी भी सादी कंपनी या एक एक्स वाई जी कंपनी के साथ इसको एसोसिएट कर देते हैं, और एसोसिएट करने के बाद हम ये समझते हैं कि यही रिजल्ट जो कि दूसरी कंपनी वाला बगैर किसी प्रोसेस के इंप्लीमेंट करके हासिल कर रहा है हम भी हासिल कर लेंगे, टू सम एक्सटेंड हो भी जाता है, बाय द वे इसमें कोई मतलब इसको एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल हो भी जाता है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि सिर्फ वही प्रोसेस इंप्लीमेंट करके ही आप जो सक्सेस है या जो ग्रोथ है वो लेके आ सकते हैं, नो, यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर द सिस्टम व्हाट ओरिफ्लेम सेज, ओरिफ्लेम कहता है कि आपने लोगों से बात करनी है, और बात करके क्या करना है, तीन प्रोसेस हैं बेसिकली, अगर इनिशियली देखा जाए ना तो ओरिफ्लेम के तीन ही हिस्से हैं या तीन ही चीजें हैं जो ओरिफ्लेम में करने हैं आपने, दैट इज शेयर इनवाइट एंड एंगेज, दैट्स इट, शेयर करना है आपका कंटेंट, आपकी बातें, आपकी इंफॉर्मेशन, अब वो किस तरह से करते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे करते हैं, चाहे डिजिटल करते हैं, चाहे फेस टू फेस करते हैं, इट डजंट मीन इट डजंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट करना क्या है, दिस इज द प्रोसेस जो कि हम आपको बताते हैं कि जी आपने तीन लोगों से रोज बात करनी है, उनको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, उन लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करना है, आपके मैनेजर आपके डायरेक्टर की एक ट्रेनिंग के अंदर या ओएम के अंदर उन लोगों को आपने अपनी जो ओरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी है वो प्रेजेंट करनी है, फिर उनमें से जो लोग इंस्पायर होंगे वो ज्वाइन कर लेंगे, उनको गेटिंग स्टार्टेड देनी है, गेटिंग स्टार्टेड के बाद उनको कहना है कि आप ऑर्डर्स कलेक्ट करें, ऑर्डर्स कलेक्ट करने के बाद उन्हें कहना है उन तक उसका फॉलो अप करें, क्लियर कराएं, हम लोग बेसिकली जब तक ये प्रोसेस को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे हमें ग्रोथ नहीं आएगी, हम जब तक ये प्रोसेस इंप्लीमेंट नहीं करेंगे हमारी टीम नहीं बनेगी, हम जब तक इस प्रोसेस को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे और अंडरस्टैंड करके एग्जीक्यूट नहीं करेंगे और मेक श्योर नहीं करेंगे कि जो नया बंदा है जो हमें ज्वाइन कर रहा है
वो इसी तरह से उसको एग्जीक्यूट करे, आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, द सिस्टम सेज शेयर इनवाइट एंड एंगेज, और वो सारा कुछ आपको ऑलरेडी हम स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री में, आपकी गेटिंग स्टार्टेड में, मोबाइल ऑफिस में, आपके फर्स्ट ऑनबोर्डिंग स्टेप्स के अंदर हम लोग आपको बड़ा क्लियरली बताते हैं। अगर आप वो नहीं कर रहे तो इसमें कंपनी कसूरवार नहीं, या आपकी अपलाइन कसूरवार नहीं है, या आप ये कहें जी मुझे मेरा स्पॉन्सर बताता नहीं है, तो वो कसूरवार नहीं है, क्योंकि सिस्टम को किसी ना किसी जगह से तो ब्रेक किया गया ना, और वो ब्रेक करने की वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता। अगर मिलता भी है तो सर्टेन टाइम के बाद वो खत्म हो जाता। सो दिस इज द सिस्टम जो कि आपको अंडरस्टैंड करना, और इसीलिए इन इवेंट्स की जरूरत है कि जो सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन है वो होनी ही इवेंट से है, और सबसे पहले हम लोग इवेंट्स ही ऑर्गेनाइज करते हैं। वाई इवेंट्स हम काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और इसको डिटेल में डिस्कस करने के साथ साथ सम हाउ दी अदर्स मैं आपको यही सारी इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ, और आपने ही बल्कि उसमें हमें बताया है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है, जिसमें आप बिजनेस जो है वो एनर्जेटिक होके करते हैं, एक्साइटमेंट करते हैं, ऑन द स्पॉट रिक्रूटमेंट आपकी हो जाती है, पिक्चर्स आप एक कम्युनिटी की दिखाते हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो दुबई में हमारे जो लीडर्स जिन्होंने विजिट किया था, उन सब लोगों को की पिक्चर्स या वीडियोस भी आप लोगों ने अपने अपनी टीम्स के अंदर दिखाई थी, राइट? ये सारा कुछ बेसिकली आपके पास ऑलरेडी शेयर हुआ है। तो इवेंट एक ऑर्गेनाइज करके, आप लोगों को मोटिवेट करके, इसके बारे में जब उसका रिजल्ट लेने की कोशिश करेंगे या रिजल्ट आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। सो बी वेरी वेरी व्हाट शुड आई से के क्लियर इन योर माइंड कि आपको इवेंट्स की जरूरत क्या है। अच्छा, अब हमने ये बात की कि इवेंट की जरूरत क्या है, ठीक है? सो हमने ये बात जिक्र किया, अब उसके बाद आ जाता है कि हमने इवेंट करना कौन सा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑरिफ्लेम में कितनी तरह के इवेंट्स होते हैं तो आप मुझे क्या बताएंगे? सो टेल मी। जी, एंगेजमेंट के लिए तो आपको स्टेप वन स्टेप टू देखना पड़ेगा। मैनेजर सेमिनार, ओके चलें, दैट्स फाइन, कोई बात नहीं। और इसके अलावा क्या आप मैनेजर सेमिनार खुद से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? क्योंकि वो तो कंपनी ऑर्गेनाइज करते हैं ना, क्योंकि कंपनी का ही एक स्ट्रक्चर होता है। सो मैनेजर सेमिनार आप अगर करना चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन वो उस वक्त जब तक कि आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ना हो। नेटवर्क बहुत बेकार होने लगा है, मतलब मैं समझा नहीं। ओम बिल्कुल ठीक कह रही है जी, एमन ने कहा, सॉरी आमना ने कहा, अपॉर्चुनिटी मीटिंग बिल्कुल ठीक है जी, प्रोस्पेक्टिंग, मोटिवेशंस, नहीं मतलब कौन से इवेंट्स करने हैं। मोटिवेशन तो आप ओएम में भी दे सकते हैं ना, इन्फॉर्मेशन तो आप ओएम में भी दे सकते हैं, नेटवर्किंग आप ओएम में भी कर सकते हैं, लेकिन ओएम के अलावा कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं? प्रोस्पेक्टिंग आपने कर ली, ओके, ये भी एक इवेंट हो सकता है। प्रोस्पेक्टिंग का एक प्रोसेस है बाय द वे, वो एक इवेंट नहीं होता, वो एक प्रोसेस है जिसमें मुख्तलिफ इवेंट्स किए जा रहे होते हैं। उसके अलावा कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो हो सकते हैं जिससे कि आप बात कर सकते हैं? अभी मैं ऑनलाइन या फिजिकल इवेंट्स की बात नहीं कर रहा, अभी हम लोग इवेंट्स की बात कर रहे हैं कि किस तरह के होने चाहिए। मीडियम कोई भी हो सकता है, स्किन केयर का, यस मैम साइमा, थैंक यू वेरी मच जी। उसके अलावा हम घर पे इवेंट कर सकते हैं, लोगों को इनवाइट कर सकते हैं जिससे हमें बिजनेस, बिल्कुल कर सकते हैं, बट क्या घर में बुला के क्या करेंगे, बिजनेस में देंगे वो ओएम हमने डिस्कस कर लिया, स्किन केयर का बता दिया, प्रोडक्ट टेस्टिंग हमने बता दिया, मेंबर्स को या आउट ऑफ होम एनी रेस्टोरेंट हो गया। देखें शाइन, व्हाट माय पॉइंट वाज, हमने किसी भी एक जगह पे बुलाना है, वहां में हमने क्या कराना है उनसे? स्किन केयर की बात हुई, ओएम की बात हुई, प्रोस्पेक्टिंग वहां पे नहीं हो सकती, किटी पार्टीज, ब्यूटी इवेंट्स, वो स्किन केयर के अंदर ही आ गया। सो अगर मैं आप लोगों को इस चीज के जो सस्पेंस अब क्रिएट होना शुरू हो गया, अब हर बंदा जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें सोच रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है,
बट अगर मैं आपको ये कहूँ तो बेसिकली चार तरह के इवेंट्स होते हैं ऑरिफ्लेम के अंदर जो आपने करने होते हैं। पहला है आपकी ऑरिफ्लेम डिस्कवरी, जिसको हम ओएम कहते हैं, राइट। अब ओएम नहीं होती, अब डिस्कवरी होती है, ये शायद मैंने पहले भी जिक्र किया था। तो अब डिस्कवरी है ऑरिफ्लेम की, डिस्कवरी की जाती है ऑरिफ्लेम के अंदर, लोगों को डिस्कवर करने का मौका मिलता है। तो डिस्कवरी आप किसी भी एंगल से इसको कह सकते हैं, चाहे ब्रांड पार्टनर के एंगल से कह रहे हैं, या आप कस्टमर या कंज्यूमर या प्रोस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। तो सबसे पहले ओरिफ्लेम डिस्कवरी, फिर होती है ब्यूटी बाय स्वीडन स्किन केयर डिस्कवरी। स्किन केयर डिस्कवरी का मतलब है कि जो हमारी स्किन केयर की प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिस्कवरी। उसके बाद आ जाता है जनाब ब्यूटी बाय स्वीडन कलर कॉस्मेटिक डिस्कवरी, कि आप कलर कॉस्मेटिक के ऊपर लोगों को इनवाइट करेंगे, हमारी कितनी जबरदस्त कलर कॉस्मेटिक्स है। फिर इसी तरह से हमारी फ्रेग्रेंसेस हैं, एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज व्हिच यू कैन डू दैट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एग्जांपल के तौर पे पार्टी मेकअप की बात हुई, मेकअप के अंदर ही आप जैसे अब थोड़ा सा यू नो समर आना शुरू हो गया, तो विंटर अभी गुजरा है, तो विंटर के बाद समर की जो वॉर्म जो मेकअप लुक्स हैं वो किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं, इसी तरह से आप स्किन केयर की कैसे जो लुक्स हैं वो कर सकते हैं, एंड देर आर सो मेनी अदर थिंग्स। सो पर्पज ये नहीं है कि आप कहाँ पे बुलाते हैं, पर्पज ये है कि आप क्या कहेंगे उनको। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं एक सिंपल एक क्वेश्चन है आप लोगों से, बल्कि ये आप आई वुड रिक्वेस्ट कि सब इसमें पार्टिसिपेट भी करें। मैं आपके साथ ज्वाइन हुआ रिगार्डलेस किस तरह से हुआ, वो जिस तरह से होता है मुझे उस प्रोसेस का भी पता है, मैं हो गया आपके साथ ज्वाइन हो गया। अब ज्वाइन होने के बाद मैंने उसे कहा जी आपने टीम मेकिंग करनी है, लोगों को इनवाइट करना है, पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं, अपना सेल्स एक्शन लेना है, वेलकम प्रोग्राम आपने अचीव करना है, ये पांच चीजें मैंने उसे कह दी। अब वो पांच चीजें कैसे करेगा, उसको क्या करना है कि वो ये पांच चीजों को अचीव कर सकता। प्रोडक्ट सेल करके ओके, इंक्रीज कॉन्टैक्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेनिंग ले, अपनी इनकम प्रूफ शो कर दे, मैं एक नया ब्रांड पार्टनर हूं, मैंने लोगों को अपने साथ ज्वाइन कराना है, मैं अपना प्रूफ कैसे दे सकता हूं, आई कैन नॉट प्रूफ माय इनकम टू एनीबॉडी। कॉन्टैक्टिंग पीपल, यस यू कैन से दैट। सो हम लोग अगेन अभी जैसे मैंने जिक्र किया ना कि हम में से बहुत से लोगों का एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डिफरेंट कंपनीज के साथ एसोसिएट करके जो वो काम करते हैं हम भी वही करना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, जिससे हमें फायदा नहीं होता उल्टा नुकसान होता है। शायद मैं एक डायरेक्टर हूँ, मैं एक सीनियर मैनेजर हूँ, या मैंने जो है वो किसी तरह से टाइटल अचीव कर लिया और उसके बाद मैं जो इनकम आ रही है, मैसेज आ रहा है, एक्सेल चेक आ गया, सारा कुछ आ गया, वो मैं लोगों को दिखा रहा हूँ, लोग मुझे तो ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन उस बंदे का क्या कसूर है बेचारा जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है। कैटलॉग शेयर करके वेरी नाइस, नेम बैंक पर काम करके वेरी नाइस। अब ये सारी चीजें जो आपने कही है, क्या वाला एलिमेंट आपने बता दिया कि जी उसको क्या करना है, कैसे करना है, ये हम लोग नहीं बताते हैं। और यही रीजन है कि हम जो कैसे वाला एलिमेंट है हमें खुद नहीं पता होता, हम चूंकि आगे भी लोगों को नहीं बता पाते, लोग कुछ अरसे बाद आगे काम करके छोड़ जाते। और माजरत, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कहने में, क्योंकि लोग बेसिकली आपकी बात पे जब आप कोई बात कहते हैं, और जब हम लोग बीइंग कंपनी बीइंग एएसएम कोई बात कहते हैं, तो वो आपकी बात और हमारी बात के अंदर जब कॉन्ट्रडिक्शन आती है तो लोग कहते हैं जी कि ये कंपनी ठीक नहीं है, मैंने तो इसके साथ काम ही नहीं करा। फिर जो कंपनी के साथ बहुत लॉयल लोग होते हैं जो सेल एक्शन नहीं बिकवा सकते, वो फिर कम पॉइंट्स पे सेल एक्शन भी सेल करना शुरू कर देते हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि जी इतना सेल एक्शन लोगे तो हम इतने पॉइंट्स देंगे, फिर पैसे भी देना शुरू कर देते हैं, लेना भी शुरू कर देते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें बहुत सख्त फायदा इसमें कोई नहीं है, उल्टा नुकसान है। नुकसान ये है कि आप लोगों की वजह से एक बंदा जिसको एक प्रॉपर ग्रेजुअल उसके पास जो इनकम है जो होनी चाहिए, जो रेजुअल इनकम होनी चाहिए, वो नहीं होती और वो स्टेगनेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने एक टाइटल से ऊपर जाता नहीं है। किसी का सेल एक्शन पकड़ा, किसी की चीजें पकड़ी, किसी का कुछ किया और वो उसको प्रॉफिट देना शुरू कर दिया, उसका टाइटल बना दिया, खुद मैं 2-3-4-5 हजार रुपए लेके खुश हो गया।
इस तरह से कभी भी ओरिफ्लेम नहीं कहता कि काम हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने सीखा ही नहीं है, और ना ही मैंने सीखा, और मैं लोगों को कहता हूं कि जी तुम भी ये करना शुरू कर दो। और यही रीजन है कि हम सबसे पहले लोगों को ये कहते ही नहीं है कि जी आपने पॉइंट्स जो हैं वो ऑर्डर्स जो हैं वो कलेक्ट करने हैं। हम क्या कहते हैं जी आपने पॉइंट्स करने हैं। अब वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने तक, लेट से चले मैं इसको एग्जेजरेट करके कह देता हूँ, वो अपने घर में से पैसे 100 पॉइंट के ले लेता है, कोई उसका कस्टमर नहीं है। और जब मैं अपने घर में से एक थोड़ी सी पैसे लेके, अपने भाई से, फादर से, हस्बैंड से लेके पैसे लगाई जा रही हूँ, चीजें इकट्ठी होती जा रही हैं, अब ना वो मैं सेल कर रही हूँ क्योंकि मेरा कस्टमर तो है ही नहीं, मैंने तो वो प्रोसेस फॉलो ही नहीं किया। अब वो चूंकि कस्टमर नहीं है, चीजें इकट्ठी होती जा रही हैं, और फिर 6 महीने बाद मेरा हस्बैंड भी, मेरे घर वाले भी मुझसे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं कि तू काम तो कोई कर दी नहीं, पैसे तेरे को लाए नहीं, पैसे तू मेरी ले जा रही है, की फायदा सी। फिर वो अल्टीमेटली नुकसान ओरिफ्लेम पे आता है, और ओरिफ्लेम की वजह से, आपकी वजह से ओरिफ्लेम की कंपनी उन लोगों के दिलों में या उन लोगों के जहनों में एक ऐसा क्वेश्चन मार्क डाल देती है कि यार ये कंपनी तो है ही फ्रॉड। क्यों? क्योंकि आम शरीफ घराने की जो खवातीन है उनको तरीका ही नहीं वो बनाया गया, इस बताया गया इस चीज का कि जी आप लोग जो है इसको क्या से कहते हैं प्रोसेस को फॉलो करें। वो प्रोसेस को फॉलो ही नहीं करते हैं, फॉलो ना करने की वजह से पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं जो कि ओरिफ्लेम कहते ही नहीं है कि जी आपने करना है। वो कोई भी बंदा अगर फैमिली में देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि खातून या हस्बैंड या वाइफ, माँ बाप, बहन भाई, जब तक फैमिली सपोर्ट ना ना हो आप काम नहीं कर सकते, अच्छा काम नहीं कर सकते, आप अच्छा काम बिल्कुल नहीं कर सकते। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक दफा जब कोई काम गलत करते हैं ना, शॉर्टकट ढूंढते हैं। वो ढूंढने के बाद मेरे फैमिली ने या मेरे किसी भी फैमिली मेंबर ने मुझे कहा कि पैसे तुम नहीं कमा रही हो और मेरे से तुम पैसे लेते जा रहे हो, तो वो इन्वेस्टमेंट होती जा रही है ना उनकी, और एक टाइम आता है वो मना कर देते हैं, लेकिन मैं फिर छुप के उनसे काम करना शुरू कर देती हूँ, राइट, या कर देता हूँ, बट वट एवर, आप वॉइस वर्सा भी इसको कह सकते हैं। अब छुप के काम करने की वजह से ना मैं अपना CNIC देती हूँ, ना मैं अपना शनाख्ती कार्ड का बैंक अकाउंट खुलाती हूँ, ना मैं कोई ट्रांजेक्शन करती हूँ, ना मैं मोबाइल को इस्तेमाल कर सकती हूँ, मैं ना ही फेसबुक पे आ सकती हूँ, ना ही मैं कोई सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकती हूँ इस चीज के लिए कि जी कैसे किया जाता है। अगेन दिस इज ऑल अबाउट बींग एथिकल। हम लोग इन तमाम मामलात को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपकी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों के लिए, कि जब तक आप इन इवेंट्स को अंडरस्टैंड करके, उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करके आगे नहीं लेके जाएंगे, आप ओरिफ्लेम के इन इवेंट्स को नहीं करेंगे, बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, एक वॉइस नोट भेजेंगे, और वो भी रात को 9 बजे, 10 बजे, सुबह 4, 5, 3 बजे, जब ना ऑफिस में कोई बंदा मौजूद होता है और ना ही कोई आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है। अब फॉर इंस्टेंस मुझे अगर आप रात को 9 बजे मैसेज करेंगे आपका ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे आप मैसेज ना करें, मैं एक एग्जाम्पल दे, मुझे रात को 9 बजे मैसेज करेंगे कि जी मेरा ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ, सो देर इज नो पॉसिबिलिटी कि मैं आपको ये चेक करके अपने वेयर हाउस टीम से ये बता दूं कि क्या आप वो कर रहे हैं ऐसा काम, मतलब मुझे कुछ पता चल जाए कि जी वो कहाँ पे है। आई डोंट हैव एनी वैंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं वो घुमाऊं और मुझे पता चल जाए और मेरे सामने स्क्रीन पे नजर आ जाए दीवार की कि यार ए ऑर्डर एथे पे आया। देर इज नॉट अ सिंगल पॉसिबिलिटी। सो द थिंग इज हम लोग शुरू से ही अपना प्रोसेस गलत लेके जाते हैं, और ये कहते हैं कि जी मैंने आपके 100 पॉइंट्स आपने पूरे करने, अपनी मंथली ग्रोसरी आप यहाँ से करें। नहीं, आपने फर्स्ट ऑर्डर अपनी जरूरत का बनाना है, और 1 महीने में आपने 100 पॉइंट्स करने हैं लोगों से बात करके। अगेन मैं चूंकि उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट या स्टेप 1, स्टेप 2 या स्टेप 3 नहीं बता रहा हूँ, मैं बेसिकली लैम लीडरशिप एकेडमी की बात कर रहा हूँ, तो आई एज्यूम के मैनेजर ने आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी बताई नहीं कि जी किस लेवल पे क्या काम करना है, और जब तक आप वो डुप्लीकेट नहीं करेंगे आपको उसका फायदा ही नहीं होगा। जो कि ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जी इफ यू यूज स्टैंडर्डाइज्ड प्रेजेंटेशन एंड अ सिस्टमेटिक अप्रोच, जो कि मैंने आपको पहले बात की, योर इवेंट्स विल बी इजियर टू कंडक्ट एंड फास्टर योर कम्युनिटी टू डुप्लीकेट। अब मैं डुप्लीकेट कैसे कराऊं, मैंने तो बताया ही नहीं है,
अपनी को प्रेजेंटेशन को बनाई हुई है कि जी ये कर लें तो ऐसे हो जाएगा, ये करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, एक सर्टेन टाइम के बाद वो फिर खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ऑनेस्टली। आप एक दफा अमाउंट आप हासिल करेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा। सो इवेंट्स इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन बीइंग, मेरा अपना पर्सन ये ओपिनियन है, यू कैन डिसएग्री विद दैट, मैं ये कहता हूं कि एक इंसान जो ऑरिफ्लेम में ज्वाइन कर रहा है ना, जो ऑरिफ्लेम में ज्वाइन कर रहा है, जब तक वो 600 पॉइंट के ऑर्डर्स कलेक्ट ना करे ना इंडिविजुअल, एक महीने में, यानी कि 600 पॉइंट तक ना पहुंच जाए, उसको टीम बिल्डिंग पे नहीं जाना चाहिए। ये आपको पर्सनल ओपिनियन, ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, यू कैन डिसएग्री विद दैट, मुझे इससे कोई कबाहत नहीं है बताने में। और इससे दो फायदे होंगे, पहला फायदा ये होगा कि जिस बंदे को आप ये कहेंगे ना कि उसने लोगों से ऑर्डर कलेक्ट करने हैं, वो ऑर्डर्स कलेक्ट कर लेगा, राइट, और वो आपके उस इवेंट में लोगों को बुलाएगा जो आप ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि बीइंग मैनेजर आपको 2 से 3 इवेंट्स एक हफ्ते में करने हैं, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। सिर्फ मैनेजर बन जाना इज नॉट एन ऑप्शन, उसके साथ एसोसिएटेड जो बाकी चीजें हैं वो भी आपने करनी है, जो कि हम नहीं करते हैं। आई एम सॉरी जी, मैं साथ साथ चाय भी पी रहा हूँ, तो प्लीज डोंट माइंड, आप लोग भी चाय पी सकते हैं घर में बना के, सो देर इज नो प्रॉब्लम, राइट। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू वर्क ऑन, यू यू नीड टू थिंक ऑफ दैट, कि 600 पॉइंट किया, वो जो बंदा 600 पॉइंट कर ले, उसके बाद उसको नेक्स्ट स्टेप बताना शुरू किया कि यार तुम अपने लोगों को ज्वाइन करना है, और तुमने इतने 600 पॉइंट अगर इकट्ठे कर लिए हैं तो इसका मतलब है कि तुम अब एक इवेंट जो है अकेले इंडिविजुअल कर सकते हो, ओएम करानी शुरू कर दी, उसका स्किन केयर सेशन कराना शुरू कर दिया, उसकी पर्सनल केयर पे बात करनी शुरू कर दी, रिकमेंडेशन पे देना शुरू कर दिया, सेल्स एक्शन पे बात करनी शुरू कर दी। जी एमन, मेरे साथ भी घर में ऐसे ही होता है, वो वहां पे भी खुद ही बनानी पड़ती है, तो यहाँ पे भी आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। सो यहाँ पे भी मुझे आसिफ साहब जो है हमारे ऑफिस में होते हैं, मुझे वो बना के देते हैं, या नदीम साहब बना के देते हैं। सो आप, अगर ये यूटिलिटी आपके पास नहीं है तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, बट यू कैन डू दैट बाई योर ओन सेल्फ। ओके, सो ज्वाइन जो है उस वक्त तक उसको नहीं करवाना चाहिए। सो सबसे पहले आप इनवाइट कराएं, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस कराएं प्रोडक्ट्स, और फिर आप डेवलप करते हैं। देखें, अल्टीमेटली आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा। हमने डिजिटली कनेक्टिविटी जो है वो क्रिएट तो की है, लेकिन यकीन कीजिए, मैं अपनी लाइफ के उन अनफॉर्चुनेट ईयर्स में से इन 2 सालों को कहूंगा जो कि पेंडेमिक के और लॉकडाउन के थे। आई यूज टू अ क्रिकेट प्लेयर, आई लव टू गो आउट, और मेरा ख्याल है कि लाहौर की कोई ऐसी ग्राउंड नहीं है जहां पर मैंने क्रिकेट नहीं खेली है, एंड आई लव टू गो आउट। आप लोग भी जानते हैं मैं ऑलमोस्ट पूरे पंजाब में ट्रेवल कर रहा होता हूँ। सो मैंने जितना ट्रेवल को मिस किया है, जितना फेशियल इंटरेक्शन को, फेस टू फेस मीटिंग को मिस किया है, शायद ही मैंने किसी और चीज को मिस किया हो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप अपनी उस खसलत को चेंज करें। अब मैं आई एम एन आउट गोइंग काइंड ऑफ पर्सन, मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, मैं बाहर जाता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है बाहर जाना, शॉप्स पे जाना, लोगों से मिलना, बात करना। अब डिपेंड करता है कि हम लोग चूंकि इस, मेरी एक फील्ड ऐसी रही है, या मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहूं जहां पे बहुत ज्यादा लोगों का मिलना जुलना था, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं इस चीज को किसी दूसरे एंगल पे लेके चला जाऊं और फिर अपना काम भी ना करूं। तो देखें, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, किसी के साथ भी कोई मिस फॉर्चुनेट हो, अनफॉर्चुनेट को मामला हो जाए, किसी की डेथ हो जाए फैमिली में, आपको वहां पे जाना ही पड़ता है। खुशी, मेरी मदर और फादर पंजाबी हैं हम लोग, तो वो अक्सर कहते थे कि यार खुशी छड़ी जा सकती है, गम नहीं छड़िया जाता। लोगों दे उस गम दे जो कोई चला जाता है ना, तो उसके नाल खलोना पैंदा, उसके नाल जाना पैंदा। सो हम लोगों ने ये सारे का सारा जो डिजिटल एनवायरनमेंट अपने इर्द गिर्द एक वॉल क्रिएट कर ली है, और वो इसलिए क्रिएट की है
कि हमें सहूलत मिल गई है, ऐसा हरगिज नहीं है। आपका कनेक्शन उस वक्त तक नहीं बिल्ड होता, जैसे कि हमारे एक को-फाउंडर हैं रॉबर्ट एफ जॉकनिक, वो कहते हैं कि रिमेम्बर, याद रखिए, ओरिफ्लेम इज अ पीपल बिजनेस, यू हैव टू मीट पीपल, दैट्स द ओनली वे यू कैन कनेक्ट हार्ट टू हार्ट। हमें बड़ा अच्छा लगता है ईद पे घरों से बाहर जाके अपनी फैमिली से मिलना, बाहर जाना, लोगों से बात करना। सो आई मीन यू कैन इमेजिन कि आप तो एक खुशी में जो है वो बैठे हुए हैं और आपके साथ कोई नहीं है, आप गम में या खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई नहीं है, आप लोगों के साथ एक रिलेशनशिप नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं जानना नहीं चाहती, या मैं जाना नहीं चाहती, मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहती। हम ये भी नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल ही आउटसाइड द होम जो है वो रहना शुरू कर दें। पर्पस ये है, यू नीड टू क्रिएट रिलेशनशिप, यू नीड टू डेवलप रिलेशनशिप, और डेवलपमेंट हमेशा उस वक्त होती है जब आप लोगों को इनवाइट करते हैं फॉर सर्टेन थिंग्स। अगर आप इनवाइट करेंगे उनको अपने घर में, या आप उनके घर में जाएंगे, या उनको किसी एक ऐसी जगह पे बुलाएंगे जहां पे आपके अपलाइन डायरेक्टर मैनेजर्स जो हैं वो बैठ के कोई एक चीज गाइड कर रहे हैं किसी को, तभी उसका बेनिफिट उन तक पहुंचेगा। ये कभी नहीं हो सकता कि आप किसी को कोई चीज बेनिफिट की दे रहे हो और कहेंगे जी मैनू की ना ले जा रहा कार दस देना, या व्हाट्सएप कर देना, या कॉल कर देना। मुझे आई एम सॉरी, आई गेट बिट इमोशनल, क्योंकि आई हैव सीन पीपल इन दैट एरिया। ये सच्चा वाक्या बता रहा हूँ। एक खातून थी, पता नहीं अब जिंदा है या अल्लाह ताला ने आपके पास चली गई है। एक खातून थी, वो उनकी फैमिली में, उनके घर में, मतलब एरिया में अगर कोई फौतगी होती थी ना, तो खुद नहीं जाती थी, अपनी एक पीढ़ी जिसको जिसके ऊपर बैठते हैं, कुर्सी कह लें, पीढ़ी कह लें, बूढ़ा कह लें, वो उनके घर भिजवा देती थी और कहती थी कि जी मैं दोस्त बारे पढ़ लेने या कोई ऐसी चीज कर लेती। और वो ऐसे उनकी एक रूटीन थी, आदत थी, बड़ी नमाजी, परहेजगार और मुत्तकी किस्म की खातून। ये आपको ये नहीं मैं बता रहा कि खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई मामला उनके साथ हो, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कनेक्ट करने के लिए हार्ट टू हार्ट कितना इम्पोर्टेंट है। वो अपना एक मूड़ा भिजवा देती थी कि जी मैं खुद तो नहीं आ सकी, लेकिन मेरी जगह यहाँ पे है, मैं आपके साथ हूँ, सारा कुछ। कैन यू इमेजिन, एक दफा उनकी फैमिली में, उनके अपने घर में किसी की फौतगी हो गई, कोई नहीं आया, सबने मुड़े भिजवा दिए। खुद अंदाजा लगाएं कि किसी के गम में वो शामिल नहीं हुआ इसी वजह से, क्योंकि वो किसी के गम में शामिल नहीं थी, सिवाय इसके कि सिर्फ एक मैसेज कर दिया कि तुमने 100 पॉइंट कर दिए। दिस इज हैपन टू ऑल ऑफ अस, ये हम सबके साथ होता है। हम लोग ये समझते हैं कि मैं अपनी एक मैसेज किसी को डिलीवर करके उसके साथ कनेक्ट हो गया हूँ। मैं रिलेशनशिप बिल्ड करने की बात करता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने जो बात की है वो उन तक पहुंच गई है, और वो सिर्फ एक मैसेज या एक वॉइस नोट होता है व्हाट्सएप पे। माजरत के साथ, मुझे बहुत बुरा लगता है व्हाट्सएप यूज करना, स्पेसिफिकली इस मामले में जब आप किसी को कुछ ट्रेनिंग या कोई मामला कह रहे हैं। सो वो बातों बातों में मुझे बात याद आई है, ऑनेस्टली मेरे जहन में ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैंने ये करनी, लेकिन सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कनेक्ट कनेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब तक आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, और इवेंट्स ही एक ऐसा रिश्ता है, एक एक ऐसा मौका है जिसमें लोगों के साथ आप कनेक्ट करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, इस्लाम के अंदर सबसे पहले जब बच्चे की पैदाइश होती है तो पहले 7 दिनों में आपने उसका अकीका कर देना, अपने घर वालों को, मसाकीन को, गुरबा को आपने बुलाना है, और उनको वो गोश्त खिलाना है, खाना पकाना है। शादी होती है, वलीमा सुन्नत है, जो कि कहा जाता है कि जी आप सबको बुलाएं और इकट्ठा करके आप इवेंट करें और आप एक दूसरे को करें। लेकिन असी कोई भी शादी या कोई भी फंक्शन करने हैं ऐस वजह तो सानू पैसे मिलेंगे, न्योंदरा देंगे सानू, राइट। ये सारी की सारी बातें आपको बताने का पर्पज ये है कि ये शायद हमारी वो मिरास नहीं थी जो हमने शुरू कर दिए, और हम लोग अपने आप को ठीक करने की बजाय दूसरों पे उंगलियां ज्यादा उठाने की कोशिश करते हैं।
मैं खुद क्या काम कर रहा हूँ, क्या हमने उन सारे ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए वो काम किए, हमने क्या ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए कोई इवेंट किया, क्या हम अपने बड़ों का उसी तरह से अदब करते हैं जैसे हम करते थे या जैसे हमारे बड़ों ने हमें सिखाया, जबकि हर चीज इजीली अवेलेबल थी। मुझे अच्छी तरह याद है, अल्लाह ताला मेरी माँ जी को जन्नत में जगह दे, और ये पुत्र तुसी साडे नालों तो बहुत एडवांस तुसी हो, जड़ियां शेवा तुसी जमदे वेखदे पे हो असी तो हूं आगे वेखिया ने। सो आप कैन यू इमेजिन कि उन लोगों का माइंडसेट कैसा था, एंड दे ऑलवेज प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म जहां पे रह के आप लोगों को एक दूसरे के साथ रखें, बहन भाइयों का एहसास पैदा हो, फैमिली ओरिएंटेड और का सीन। अच्छा जी, आई एम सॉरी, मैं जज्बात की गंगा में बह जाता हूँ और पंजाबी जो है वो शुरू कर देता हूँ, सो आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। चूंकि मेरी मदर टंग जो है पंजाबी है, तो मुझे जो चीजें मेरी माँ ने सिखाई हैं वो पंजाबी में सिखाई हैं, तो वो जब दिल से कोई बात मैं कर रहा होता हूँ तो इसी तरह से होता है। उसके लिए आई एम सॉरी कि मैं पंजाबी में बात कर रहा हूँ, आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। बट द थिंग इज के आपको वो आइडिया हो, सो आइडिया हो, सो हर एक चीज का पॉइंट ऑफ व्यू है। और ये अगेन हम लोग किसी को अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो वो इस हर उस स्टेप पे होना चाहिए जो कि उसने आगे बढ़ने के लिए करना है। आप इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मिल के साथ उनको हेल्प कर रहे हैं, आप उनको होस्ट करने का मौका दें, उनको एक्सपीरियंस दें कि यार आपने ये काम इस तरह से करना, ये काम इस तरह से होने चाहिए। सो इसी तरह से उनके बेनिफिट्स उनको बताने चाहिए। आप जैसे सपोर्ट कर रहे हैं, हर लम्हे उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि जी एक्सपीरियंस ब्रांड पार्टनर्स हैं, उनको कैसे आपने रिक्रूट करना है, किस तरह से वो खुद को अपग्रेड अपलिफ्ट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट वो कैसे कर सकते हैं, लोगों को किस तरह से बुला सकते हैं, ये सारी चीजें आपने उन स्टेप्स में बतानी है जो कि स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री या हमारी गेटिंग स्टार्टेड के अलावा जो ऑन बोर्डिंग स्टेप्स हैं उसमें बताया जाता है। लेकिन हम चूंकि वो नहीं बताते हैं तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि इनके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि हम उनको ऑफर कर सकते हैं अगर हम फेस टू फेस कोई इवेंट करते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट टेस्टिंग, आप लोगों ने खुद ही बताया, आपने खुद ही बताया कि लोगों को आप इंस्पायर कर सकते हैं। मैंने इसमें ऐड किया और जो कि यहाँ पे मेंशन भी है कि आपका जब लोगों के साथ मिलना होता है फेस टू फेस, ऑटोमेटिकली लोग आपके साथ एक अच्छा ट्रस्ट वर्दी जो रिलेशनशिप है वो आपके साथ क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है जी आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है क्योंकि लोग फेस टू फेस बात कर रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज नहीं आते हैं लोगों के साथ। और इसी तरह से आपके पास जो बेनिफिट वर्चुअल इवेंट है वो भी है, उसमें कोई वो नहीं है मसला कि जी आपको वर्चुअल इवेंट नहीं करना चाहिए या मैं आपको मना कर रहा हूँ। बींग गुड लीडर या बींग द पर्सन ऑफ दैट एरा, आपको उन तमाम चीजों को यूज करना चाहिए जो कि आपको सपोर्ट कर रही है। मैं एक ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट का बंदा जरूर हूं, लेकिन मैं मीडियम ऐसा यूज जरूर कर सकता हूँ जिसके जरिए मेरी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और यही एक अच्छा लीडर ओरिफ्लेम में करता है कि वो अपनी अपनी जो बात है वो दोनों तरीकों से लोगों तक पहुंचाता है, वो डिजिटली भी काम करता है, वो फेस टू फेस भी काम करता है। और जितना ज्यादा आप इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर देंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा कि वन टू वन सेशंस आपने करने हैं, स्मॉल ग्रुप्स में आप मीटिंग्स कर सकते हैं, लार्ज ग्रुप में भी आप मीटिंग्स कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे माशाल्लाह तो 78 लोगों तक जो लोग थे वो इस सेशन में आए थे, 78 तक लोग आए हैं। सो 78 लोगों को मैं ऑफिस एक तो बुला नहीं सकता, एक तो लाइक इट्स अ ह्यूज डिस्टेंस जो कि आप लोगों को कवर करना है। दूसरा, मेरे पास ऑफिस में 73 से 60-70 लोगों को इकट्ठा एक जगह पे बिठा के ट्रेन करने की भी जगह नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो दिस इज द मीडियम विच आई कैन टेकिंग ए हेल्प फ्रॉम, कि मैं उसको इम्प्लीमेंट करके लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा। और यही वो रीजन है कि जब तक आप अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करेंगे लोगों के साथ, उस वक्त तक आप उसकी जो उसकी जो उसकी जो रूह है जिसको कहा जाता है उस इवेंट की, वो कनेक्ट नहीं, वो कनेक्शन नहीं क्रिएट कर सकेंगे।
आज की इवेंट की जो रूह है वो बेसिकली इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना है कोर टीम के साथ मिलके। जब तक कि आप दूसरों को ये नहीं बताएंगे कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कोई भी बंदा आपके उस इवेंट में ना तो आएगा और ना ही आप किसी को इनवाइट कर सकेंगे, क्योंकि जब तक आपका वो कनेक्शन क्रिएट नहीं होगा। जैसे कि मैं खुद भी इमोशनल हो गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन चीजों को याद करके, जब मदर की बात हुई, हमने एग्जाम्पल्स दी, हम लोग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहे थे, तो आई गेट फुली इमोशनल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये सारी की सारी बातें जो थी वो यहाँ पे लिखी नहीं हुई लेकिन दिल से निकली थी। तो जब तक आप लोगों को दिल से अपनी बात नहीं बताएंगे, स्टोरी जो आपके साथ है कनेक्ट करने वाली वो नहीं बताएंगे, जब तक आप ओरिफ्लेम की स्टोरी नहीं बताएंगे, उस वक्त तक लोग आपकी बात को बस यही कहेंगे कि 100 पॉइंट ही कर लो, सेल एक्शन ले लो, राइट? आई एम सॉरी वंस अगेन पंजाबी, सो 100 पॉइंट ही कर लें या सेल्स एक्शन के लिए लें, या कम पॉइंट्स पे ज्यादा चीजें जो है जो अक्सर आपको ऑन चीजों पे मिलना शुरू हो जाता है। सो दिस इज यू नो समथिंग यू नीड टू वर्क ऑन। अब इन सब चीजों को आपने करना कैसे है, देखें स्टोरी कैसे क्रिएट की जाती है। स्टोरी जब तक आप क्रिएट नहीं करेंगे ना, उस वक्त तक आप ये नहीं किसी को कह सकते कि यार आप मुझे ज्वाइन करें। वो क्यों आपके साथ ज्वाइनिंग, क्यों ज्वाइन करें, आप हैं कौन? एग्जाम्पल के तौर पे मुझे कोई भी बंदा आ गया था, सर या बंदी आके कहती है कि जी लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, तो मैं उनसे सबसे पहले ये पूछता हूँ कि जी आप बताइए आप हैं कौन, व्हाट इज हु आर यू। वो कहता है जी मैं एक ब्रांड पार्टनर हूँ और मैं ओरिफ्लेम के साथ काम कर रहा हूँ। सो कैन यू आस्क योरसेल्फ कि क्या आप ये बता के लोगों को इनवाइट या अपने साथ ज्वाइन करा सकते हैं कि जी आप ब्रांड पार्टनर हैं, या आपने एक सर्टन चीज जो है वो करनी है। यू विल नॉट बी एबल टू कन्विंस एनीबडी। सो आपको करना क्या है, यू नीड टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस जो कि यहाँ पे लिखे हैं, मैं स्क्रीन से पढ़ के भी आपको बताता हूँ कि हु आर यू, कौन है आप। सबसे पहले तो इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हु आर यू, फिर वेयर वर यू इंटरेस्टेड इन दिस अपॉर्चुनिटी, आप क्यों ओरिफ्लेम के साथ एसोसिएट हुए थे, व्हाट वाज द रीजन जो कि आपको ट्रिगर किया उसने, फिर आपको किसने इंट्रोड्यूस कराया था ओरिफ्लेम के साथ। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन टू ऑल दोज पीपल जिनको आपने इन्वाइट किया है और उनको आप ये बता रहे हैं। उसके बाद आ जाता है जी व्हाई डिड यू ज्वाइन, आपने ज्वाइन ही क्यों किया। मिसाल के तौर पे मैंने ज्वाइन इसलिए किया था कि यार मैं इनकम जो है वो जनरेट करनी है, बच्चों की तालीम करनी है, मैंने इंश्योरेंस देनी है, मैंने क्या उसे कहते हैं अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना है, मैंने उम्रे पे जाना है, मैंने हज करना है, यू नो दीज आर द पॉइंट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको एक्साइटेड क्यों है, जो कि आपको एक्साइट करती है चीज वो क्या है। एक छोटी सी वीडियो है वो देखते हैं। There is no better way to capture people's imagination and interest by telling them a short or authentic story. A short story should be intriguing, moving, and motivating. The great thing is you can share a short story in many different ways. You can tell it face to face, you can do it via social media, even via WhatsApp. It's really about what you're most comfortable with. What's interesting is we share stories and recommendations every day. But this story is all about you. It's all about why you joined the Oriflame family. By answering the following questions, you'll create your own short story in no time at all. Let me show you how easy it is. Hey, my name is Craig White. I am a dedicated father and a passionate entrepreneur. I was looking for a business to get involved with that shared my passions and my values to put other people's success first. What I really like about Oriflame is they focus on developing high-performing beauty and skincare products with a sustainable and ethical approach. After researching many businesses around the world, it was Oriflame that was the only one that really felt good to me. So I got in contact with some great people from Oriflame, and after meeting with Sophia and Mary, I really did feel that this was the right company, the right opportunity, and the right team to partner with. The reason I joined Oriflame is because it closely aligns with my personal passions and values to put other people's success first. Oriflame really believes that everyone
should be able to have a healthy lifestyle, beautiful skin, and the opportunity to express themselves personally. What I truly love about Oriflame is the opportunity that we have to help other people succeed in whatever their ambitions may be. On top of that, Oriflame have some extremely advanced skincare products. Take Nivage, for example, a range of advanced skincare products with clinically proven results. I'm really excited about the Oriflame Success Plan because it rewards hard work and dedication. You are 100% free to work part-time or full-time. It will completely fit around your lifestyle. Whether you just want to earn an extra income or whether you want to climb the ladder of success, that's your choice too. Our products really excite me too because Oriflame truly do go that extra mile by creating safe, high-performing products that are inspired by nature and powered by science. So, after you shared your own personal story with somebody new, it's really important that you invite them to an Oriflame event where they can discover more about our sensational products and opportunity. So remember, the best stories are stories that intrigue, move, and motivate people to want to find out more. So it's really simple to do. There's a few things that you need to focus on. The first thing you need to do is simply write down why it is that you chose to join the Oriflame family. Then record a really simple 1 minute video of you sharing your story. The next thing to do is to simply share your video with your sponsor and your upline manager. And then finally, share your video with 3 new people each and every day. So what's exciting is it's now your turn to create your own personal story. Yeah. Right? इसमें भी उसने ये कुछ चीजें जो हैं डिस्क्राइब की हैं जो कि आपके सामने हैं, जैसे कि रिमेंबर आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस, हु आर यू, व्हाई वर यू इंटरेस्टेड इन दिस अपॉर्चुनिटी, हाउ वर यू इंट्रोड्यूस टू दिस बिजनेस, व्हाई डिड यू ज्वाइन, एंड व्हाट आर यू एक्साइटेड अबाउट. ये 5 क्वेश्चंस आप अगर अपने पास पूछ अपने आप से पूछ लेते हैं और इसका जवाब आपके पास हो जाता है तो आप यकीन कीजिए इन तमाम मामलात में जो कि आपने वर्चुअली अपना इवेंट करना है या फेस टू फेस करना है उसमें आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं. अच्छा जी, आई थिंक इट्स इनफ. वी विल बी डूइंग आवर रेस्ट ऑफ द सेशन आफ्टर 3:30 PM इंशाल्लाह. जिन लोगों ने अभी का इवेंट मिस किया है दैट दे विल बी हैविंग अ प्रॉब्लम, क्योंकि हम जो सेकंड वाला इवेंट होगा उसकी भी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन अभी शायद मैं अपलोड नहीं करूंगा. सो दिस इज इट नाउ. हम लोगों ने आज का जो टॉपिक है उसको आज के दिन के लिए इतना ही डिस्कवर या इतना ही डिस्कस करना था, एंड इंशाल्लाह हम लोग बाकी जो हमारा डिस्कशन है वो हम लोग शाम में 3 बजे इंशाल्लाह कर रहे होंगे. सो वंस अगेन इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन तो वो अपने पास नोट कर लीजिए. हम लोग इंशाल्लाह इसको जब हमारा सेकंड सेशन होगा तो तब इसको डिस्कस करेंगे प्रॉपर चीजों के साथ. राइट, सो थैंक यू सो वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया अपना और अपने गिरदन वाले लोगों का. बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हम सबका आमिना सिर. टेक केयर. Allah Hafiz.